नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमें नीचे टर्म्स गिवन है, जो भी फंक्शंस गिवन है, हमें क्या करना है, उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इसका 11th क्वेश्चन है, टेन इनवर्स यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गिवन है, टू कॉस, फिर ब्रैकेट में टू साइन इनवर्स 1/2। ये जो फंक्शन गिवन है हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ दे रखा है टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में दे रखा है टू कॉस, फिर यहाँ दे रखा है टू, उसके बाद दे रखा है साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 यानी कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, कब होती है, 30 डिग्री पे होती है, मतलब पाई बाय सिक्स पर होती है, ठीक है, इनटू में पाई बाय सिक्स। ये पाई बाय सिक्स किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स 1/2 की, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया, अब ये टू वन जा टू थ्री जा कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाय थ्री, ये बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास। अब कॉस की वैल्यू पाई बाय थ्री पे यानी कि 60 डिग्री पे कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेन इनवर्स टू और इनटू में कॉस की वैल्यू पाई बाय थ्री होती है 1/2। अब टू से टू कैंसिल, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, टेन इनवर्स वन बचा। अब टेन की वैल्यू वन कब होती है, यानी कि टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाय फोर यानी कि 45 डिग्री। तो ये सॉल्व करने के बाद ये फंक्शन की वैल्यू ये आ गई है पाई बाय फोर, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉट ब्रैकेट में दे रखा है टेन इनवर्स ए प्लस में कॉट इनवर्स ए। तो जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके अंदर जो फॉर्मूले थे, उसके अंदर एक फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, यानी कि इसकी आइडेंटिटी होती है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू होता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स ए प्लस में कॉट इनवर्स ए क्या हो जाएगा, पाई बाय टू हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट पाई बाय टू, यानी कि कॉट की वैल्यू 90 डिग्री पे कितनी होती है, जीरो होती है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा इसका 13 क्वेश्चन, टेन 1/2 ब्रैकेट में गिवन है साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और कंडीशन क्या गिवन है कि जो मॉड ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन दिखाई देने में लेकिन ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा टेन के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ टेन है तो हम लोगों को टेन के फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करना है कि वो कैंसिल हो सके, ठीक है, या फिर उसकी कोई वैल्यू आ सके पर्टिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होती है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और उसके बाद कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके टर्म में है, टेन के टर्म में, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये देखो, हमें 2x दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अगर हम x की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे तो हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कॉस इनवर्स, अगर यहाँ पे हम y की जगह टेन थीटा पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा बन जाएगा। फिर कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको हम मान लेंगे टेन थीटा, मान लिया टेन थीटा, और ये जो y है इसको मान लेंगे टेन फाइव, क्या मान लेंगे, टेन फाइव मान लेंगे, क्योंकि एक बार थीटा मान लिया तो दूसरी बार हमने फाइव मान लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जहां जहां पे x है उसकी जगह टेन थीटा पुट कर दो, जहां जहां पे y है उसकी जगह टेन फाइव पुट कर दो। तो करते हैं, ये हो जाएगा टेन 1/2 साइन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टेन थीटा, प्लस में कॉस इनवर्स, अब 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव कर दिया। अब ये जो वैल्यूज आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, साइन 2 थीटा की, और ये वैल्यू आई है कॉस 2 थीटा की, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह साइन 2 थीटा लिख देंगे और इसकी जगह कॉस 2 थीटा, तो लिख देते हैं, हो जाएगा टेन 1/2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, प्लस में कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा टेन 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस में ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा 2 फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा टेन 1/2, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा थीटा प्लस में फाइव, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा टेन थीटा प्लस में फाइव, ठीक है। अब जो टेन का फॉर्मूला होता है, ये देखो, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस में वाई, ये फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स प्लस में टेन वाई डिवाइड में 1 माइनस टेन एक्स इंटू में टेन वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, थीटा है, और y की जगह फाई है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस में टेन फाई डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा इंटू में टेन फाई,
बन गया ये। अब हमने x की वैल्यू को क्या माना था, tan थीटा माना था, और y की वैल्यू को हमने क्या माना था, tan phi माना था। तो अब जहां पे tan थीटा है उसकी जगह x लिख देंगे, और जहां पे tan phi है उसकी जगह y लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस में y डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है ये हमारी सॉल्व वैल्यू है गिवन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ साइन ब्रैकेट में गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, हमें क्या करना है, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो अब ये जो साइन है ये इस साइड है, अगर उस साइड भेज दोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये साइन को उस साइड भेज दिया तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है, मतलब साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, यानी कि 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो गया। अब आपको पता है कि इन दोनों की वैल्यू पाई बाय 2 कब होती है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स जब होता है तब पाई बाय 2 होता है, यानी कि ये दोनों वैल्यू जब सेम होती है तभी इनकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। और एक और बात, पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस इनवर्स एक्स होती है, ठीक है। मतलब 90 डिग्री में से जब साइन को माइनस करते हैं तो कॉस एक्स आता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये कॉस इनवर्स एक्स यहाँ रख लेते हैं, उस साइड भेज देते हैं पाई बाय 2, और ये प्लस से उस साइड जाके माइनस में साइन इनवर्स 1/5। अगर आप दोनों साइड कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स x। अब x की जगह क्या है, 1/5 है। अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे तो cos इनवर्स x की जगह क्या है, 1/5 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इन दोनों की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल कब आती है, जब दोनों वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होंगी तब ये पाई बाय 2 के इक्वल आएगा, तो ये भी क्या होगा, 1/5 होगा, तब ये पाई बाय 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और ये इक्वल टू किसके, पाई बाय 4 के, और हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो ये किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, x से इसको मान लेते हैं y, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का, और वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला पे x की वैल्यू ये है और यहाँ पे y की वैल्यू ये है, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस में y, तो x की जगह ये है तो ये लिखेंगे x माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 2 प्लस में y की जगह x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस में 2 डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू में वाई। तो x की वैल्यू है x माइनस वाई डिवाइड में x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 2। आपको इसको सॉल्व करना है, और ये किसके इक्वल है, ये हमारा RHS, ये हमारा RHS है, ठीक है। RHS क्या है, पाई बाय 4 है। पहले LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में उसको RHS के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आपको LCM लेना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस में 2, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस में 2, और प्लस में 1 x माइनस में 2। अभी हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x माइनस 2 x माइनस में 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस में x माइनस 1 x प्लस में 1, ठीक है। और डिवाइड में अभी ये वाला, ये हमारा x था और ये y था, यहाँ पे प्लस आएगा, y वाले में प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पे प्लस आएगा और एक वाले में माइनस आएगा, और डिवाइड में ये हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस में 2। ये कैंसिल हो गई, हो गई ये कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा वो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 x प्लस में 2 प्लस में x प्लस में 1 x माइनस में 2, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पे ये बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, x माइनस में 2 x प्लस में 2 माइनस में x प्लस में 1, और ये x माइनस में 1 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा x इंटू में x, x का स्क्वायर x इंटू 2x प्लस में 2x, ये हो जाएगा माइनस x माइनस में 2 प्लस में, अभी ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 2x, 1 इंटू x प्लस में x, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। डिवाइड में अभी एक डिवाइड में क्या है, a माइनस बी ए प्लस में बी, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से नहीं, एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल, यहाँ पे x से x कैंसिल, ठीक है।
तो हमारे पास क्या बचा, टेन इनवर्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर, माइनस टू हो गया माइनस में फोर, डिवाइड में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में फोर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस में वन, ठीक है ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, टेन इनवर्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस में फोर डिवाइड में माइनस फोर प्लस में वन, और ये क्या होता है टेन इनवर्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस में फोर डिवाइड में माइनस थ्री, ये होता है, ये किसके इक्वल था पाई बाय फोर के, था पाई बाय फोर के। अब हम क्या करेंगे, जो टेन इनवर्स है इसको उस साइड भेज देंगे तो ये बन जाएगा टू एक्स का स्क्वायर माइनस में फोर डिवाइड में माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टेन पाई बाय फोर, और टेन पाई बाय फोर यानी कि टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर माइनस में फोर इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस थ्री डिवाइड में वन। अब ये माइनस थ्री उस साइड चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा टू एक्स का स्क्वायर माइनस में फोर इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, अब फोर को उस साइड भेज देंगे माइनस फोर को तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस में फोर, अब फोर माइनस थ्री हो गया वन यानी क्या आ गया टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब ये जो टू एक्स को डिवाइड में भेज देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी वन बाय टू, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन बाय टू, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको लिख दो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन डिवाइड में अंडर रूट टू, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आशा है आज की वीडियो के अंदर हमने इलेवंथ क्वेश्चन से लेकर के फिफ्टीन क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना और फॉर्मुलों को लिखते रहना, मैं आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।